अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं लेक्चर नंबर 28 और हम बायोलॉजी में हमने स्टार्ट किया हुआ है कार्टिलेज को। तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था बोन को, आज हम डिस्कस कर रहे हैं कार्टिलेज को। कार्टिलेज की सबसे पहले डेफिनेशन करते हैं और फिर हम इसकी टाइप्स को रीड करेंगे। सबसे पहले हम एक्सप्लेन करते हैं कि कार्टिलेज क्या होता है। कार्टिलेज एक कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो बोन्स की निस्बत सॉफ्ट होता है, और कार्टिलेज प्रेजेंट होता है जो एंड पार्ट्स होते हैं लॉन्ग बोन्स के, यानी एट जॉइंट वहाँ पर, और दूसरा प्रेजेंट होता है जो हमारी बॉडी के सॉफ्ट पार्ट्स हैं, जैसे कि नोज हो गया, एक्सटर्नल एयर हो गया, एपिग्लॉटिस हो गया, ये बने होते हैं कार्टिलेज के। सबसे पहले हम बुक से कार्टिलेज की डेफिनेशन को एक्सप्लेन करते हैं। कार्टिलेज क्या है? कार्टिलेज इज मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू एंड मच सॉफ्ट देन बोन्स, कवर द एंड ऑफ द बोन्स, यानी जो बोन्स होती है ना, बोन्स का जो एंड वाला पोर्शन होता है उसके ऊपर बेसिकली ये कवर करता है कार्टिलेज। एंड फ्लेक्सिबल पोर्शन ऑफ नोज, जो नोज का पोर्शन होता है इसके अंदर प्रेजेंट है, और एक्सटर्नल एयर जिसको पिन्ना कहते हैं ये उसके अंदर भी प्रेजेंट होता है, दिस इज कॉल्ड कार्टिलेज। कार्टिलेज स्पेशलाइज सेल से बना होता है जिसको हम नाम देते हैं कॉन्ड्रोसाइट। द लिविंग सेल्स ऑफ द कार्टिलेज इज कॉल्ड कॉन्ड्रोसाइट्स। कार्टिलेज अब कॉन्ड्रोसाइट से बना हुआ है, और जो कॉन्ड्रोसाइट सेल्स हैं वो रिलीज करते हैं स्पेशलाइज सब्सटेंसेस को जो कवर करते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स को, उसको नाम देते हैं कोलेजन। कोलेजन बेसिकली इज द कॉन्ड्रोसाइट क्रिएट फ्लेक्सिबल इलास्टिक नॉन लिविंग मैट्रिक्स ऑफ कोलेजन दैट सराउंड द कॉन्ड्रोसाइट। यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास ये सेल्स हैं कॉन्ड्रोसाइट्स के, तो ये रिलीज करेंगे स्पेशलाइज सब्सटेंसेस जो क्या होगा, फ्लेक्सिबल होगा और इसको क्या करेगा, बाहर से कवर करेगा, नॉन लिविंग होगा इस मैट्रिक्स को जिसके अंदर कॉन्ड्रोसाइट प्रेजेंट होते हैं, दैट इज कॉल्ड कोलेजन। नेक्स्ट है हमारे पास कि कार्टिलेज के अंदर कोई ब्लड वेसल पेनिट्रेट नहीं करती है, जबकि हमने बोन्स में पढ़ा था बोन्स का जो इनर पोर्शन होता है स्पॉन्जी बोन, उसके अंदर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, जबकि जो कार्टिलेज है इसके अंदर कोई ब्लड वेसल प्रेजेंट नहीं होती है। नेक्स्ट है, दो टाइप्स हैं कार्टिलेज की जो आपकी बुक के अंदर दिए गए हैं कि हाइलेन कार्टिलेज, दूसरा है इलास्टिक कार्टिलेज। हाइलेन कार्टिलेज जो है ये मोस्ट अबंडेंट टाइप है कार्टिलेज की, और दूसरा कि ये एंड पार्ट्स जो होते हैं, एंड पोर्शन होते हैं लॉन्ग बोन्स के, वहां पर प्रेजेंट होती है हाइलेन कार्टिलेज एट मूवेबल जॉइंट। क्या कहेंगे, मोस्ट अबंडेंट टाइप इन ह्यूमन बॉडी एंड फाउंड एट द मूवेबल जॉइंट। सेकेंड टाइप है इलास्टिक कार्टिलेज। इलास्टिक कार्टिलेज कोलेजन फाइबर्स और इलास्टिक फाइबर से बनी होती है, और ये कह सकते हैं हाइलेन कार्टिलेज की निस्बत ये फ्लेक्सिबल होती है, और ये प्रेजेंट होती है एपिग्लॉटिस और पिन्ना के अंदर। पिन्ना एक्सटर्नल एयर का जो पोर्शन है इसको हम पिन्ना कहते हैं। तो हमारे पास ये होगा, इसको कहते हैं इलास्टिक कार्टिलेज। नेक्स्ट है ह्यूमन स्केल्टन। ह्यूमन स्केल्टन को दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है, एक है एक्सियल स्केल्टन, दूसरा है अपेंडिकुलर स्केल्टन। और सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं व्हाट इज एक्सियल स्केल्टन। एक्सियल स्केल्टन बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर जो स्कल, स्टर्नम, चेस्ट बोन जिसको कहते हैं, रिब केज और वर्टिब्रल कॉलम जिसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट है, ये सारा कहलाता है एक्सियल स्केल्टन। दूसरा होता है अपेंडिकुलर स्केल्टन, जिसमें हमारा ये शोल्डर बोन या पेक्टोरल गर्डल आता है, हमारे फोर लिम्ब आते हैं दोनों बाजू और दोनों हाथ, और उसके बाद पेल्विक गर्डल आता है जिसको कोक्सल बोन कहते हैं, और नीचे फिर हमारे हाइंड लिम्ब है जिसके
हमारी जो है हाइंड लिम के अंदर दोनों टांगे और दोनों पांव आते हैं। तो सबसे पहले हम एक्सप्लेन करते हैं व्हाट इज एक्सियल स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन के चार पार्ट्स हैं, उनमें सबसे पहले हमारे पास है स्कल। स्कल जो है इसके अंदर टोटल 22 बोन्स होते हैं, जिनमें से 8 क्रेनियम बोन्स होती हैं और 14 फिशियल बोन्स होती हैं। क्रेनियम यानी कि हमारे स्कल को जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, यानी कि ब्रेन को जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। उसके बाद है फिशियल बोन्स जो हमारा फेस यानी चेहरा बनाने के अंदर इन्वॉल्व हैं। तो सबसे पहले क्रेनियम बोन्स क्या होती हैं, क्रेनियम जो कि हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करती हैं उन्हें कहते हैं क्रेनियम बोन। और क्रेनियम बोन टोटल होती हैं 8। कितनी होती हैं? 8। और इनमें से 4 अनपेयर्ड होती हैं और 2 पेयर्ड होती हैं। आप इसको जो अनपेयर्ड है इसको FOSE के नाम से याद कर सकते हो, और जो 2 पेयर्ड होती हैं उनको आप PT से याद कर सकते हो। क्लियर। अब अनपेयर्ड जो है वो टोटल कितनी हैं? 4 हैं। कौन कौन सी हैं? सबसे पहले जो हमारा फेस है ये वाली बोन, इसको कहते हैं फ्रंटल बोन। यानी इसको ये होगी फ्रंटल बोन। उसके बाद फ्रंटल के बाद आते हैं बिल्कुल आंख के बिल्कुल बैक साइड पे, और ये वाला पोर्शन जो है जहां पर हमारा, इसको कहते हैं ओसिपिटल बोन, जो कि ओसिपिटल लोब ऑफ सेरिब्रम को कवर करता है। तो ये वाला पोर्शन जो होगा इसको हम नाम क्या देंगे? ओसिपिटल बोन। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास है स्फीनॉइड। स्फीनॉइड कहते हैं ये इस बोन को, ये वाली जगह जो बोन है इसको कहते हैं स्फीनॉइड। ये वाला आपको जो बोन नजर आ रही है इसका नाम है स्फीनॉइड। और उसके बाद एथमॉइड, ये बोन जो है इसको कहते हैं एथमॉइड। ठीक हो गया। तो हमने देखा जो अनपेयर्ड है कौन सी है, फ्रंटल, ओसिपिटल, स्फीनॉइड एंड एथमॉइड, ये 4 है क्रेनियम बोन की कौन सी अनपेयर्ड बोन। दूसरी है 2 है पेयर्ड बोन, पेयर बोन है 2। एक का नाम है पेराइटल, इस बोन का नाम कहते हैं, ये वाली जो बोन है इसको कहते हैं पेराइटल बोन। ये इस जगह पे प्रेजेंट है। और दूसरा हमारे पास है टेम्पोरल बोन। अब जो टेम्पोरल बोन है वो बेसिकली कहां प्रेजेंट है? बिल्कुल जहां पर हमारा एयर प्रेजेंट होता है उस जगह पर प्रेजेंट है टेम्पोरल बोन। तो ये अलग हो गए, पीछे ओसिपिटल है, फ्रंट साइड पे टेम्पोरल, बिल्कुल कान के साइड के ऊपर। अब ये मिलकर बनाते हैं, आप देखें 2 हमारे पास, एक फ्रंटल है, एक ओसिपिटल है, एक स्फीनॉइड है, एक इथमॉइड है, 4 हो गए अनपेयर्ड। 2 पेयर्ड कौन से हैं? टेम्पोरल, ये 2 होते हैं, और पेराइटल भी 2 होते हैं। तो इस तरह से 2 और 2 4 5 6 7 और 8, ये हमारे पास हैं टोटल क्रेनियम बोन, 8 हो गए। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट है फिशियल बोन। फिशियल बोन्स टोटल हैं 14, और 14 में से जो 6 हैं वो पेयर्ड हैं। आप इनको याद करने के लिए, आसान करने के लिए आप इनको इस तरह से याद कर सकते हैं, MNZLIP, मंजलिप। ठीक है, तो मंजलिप में MNZLIP ये बेसिकली कहलाती हैं पेयर्ड बोन। इनको आप नाम क्या रख सकते हैं? M से मैक्सिला, N से नेजल बोन, Z से जाइगोमैटिक, यानी कि जाइगोमैटिक बोन जो कि हमारे फेस बनाने के अंदर है। इसके बाद है L से लैक्रिमल बोन, I से इंफीरियर चोंचा, और उसके बाद P से कहते हैं पैलेटाइन, तालुक जो होता है इसको कहते हैं पैलेटाइन बोन। तो ये मंजलिप यानी कि 6 हैं पेयर, टोटल कितनी हो गई ये 12 बोन्स। अब इसमें सबसे पहले हमारे पास है मैक्सिला। मैक्सिला कहते हैं हमारा जो जिनके जो हमारे जो जबड़े हैं, अपर जाज को कहते हैं मैक्सिला और लोअर जाज को कहते हैं मैंडिबल। तो अपर जाज हैं ये पेयर्ड बोन है, इसको कहते हैं मैक्सिला।
मैक्सिला, दो मैक्सिला हो गए। इसके बाद नेक्स्ट है नाक से, नाक से रिलेटेड बोन है उसको कहते हैं नेजल बोन। ये हमारी बोन कहलाएगी नाक से रिलेटेड नेजल बोन, और ये भी कितनी होती हैं, दो होती हैं। इसके बाद जाइगोमैटिक, ये वाली जो कि हमारा कह सकते हैं फेस बनाती हैं, इसको कहते हैं जाइगोमैटिक बोन। ये वाली इसको क्या कहेंगे, जाइगोमैटिक बोन। ठीक हो गया, जो गाल बनाने, गाल बनाते हैं इनको जाइगोमैटिक कहते हैं। ये भी कितने हो गए, दो। उसके बाद है लैक्रिमल, आंख के बिल्कुल फ्रंट साइड पे प्रेजेंट है, इसका नाम होता है लैक्रिमल। ठीक हो गया। उसके बाद है इंफीरियर चौंचा, ये भी हमारे माउथ कैविटी के अंदर है। पैलेटाइन, ये भी माउथ कैविटी के अंदर है, जिसको हम कहते हैं यानी इस रीजन के ऊपर प्रेजेंट है, माउथ जब खुलेगा तो इसके ऊपर की तरफ प्रेजेंट है, इसको कहते हैं पैलेटाइन, तालू की हड्डी को कहते हैं। उसके बाद है टू, दो हैं अनपेयर्ड बोन्स, वो दो अनपेयर्ड कौन से हैं, वो है मैंडिबल, लोअर जा को कहते हैं मैंडिबल, और एक है वूमर। तो ये टोटल हमारे पास कितने हो गए, ये दो हो गए और ये हो गए 12, टोटल हो गए 14। क्लियर हो गया। अब ये हमारा टोटल कहलाता है स्कल, और इससे रिलेटेड जो है हमने क्रेनियम और फिशियल बोन्स डिटेल के साथ देख लिया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम जो है ये एग्जोस्केलेटन का दूसरा पार्ट हो गया। अब एग्जोस्केलेटन को इस डायग्राम में देखें तो इसमें क्या है, यानी कि ये स्कल है, फिर ये आपको ये फ्रंट बोन कहलाती है, इसको कहते हैं स्टर्नम, या इसको चेस्ट बोन भी कहते हैं, और ये आपको 12 पेयर ऑफ रिब्स नजर आ रहे हैं, और इसके साथ ही बैक साइड पे वर्टिब्रल कॉलम है। वर्टिब्रल कॉलम के अंदर 33 वर्टिब्री प्रेजेंट होती हैं, 33 वर्टिब्री प्रेजेंट इन वर्टिब्रल कॉलम। अब वर्टिब्रल कॉलम बेसिकली है क्या, वर्टिब्रल कॉलम ऐसा आर्टिकुलेटेड फ्रेमवर्क है बोन्स का, जिसमें डिफरेंट वर्टिब्री 33 वर्टिब्री 4 रीजन्स के अंदर प्रेजेंट हैं, और वो कवर करती हैं स्पाइनल कॉर्ड को, स्पाइनल कॉर्ड की प्रोटेक्शन करती हैं। डेफिनेशन क्या होगी, वर्टिब्रल कॉलम एक्सटेंड फ्रॉम स्कल टू द पेल्विक बोन टू फॉर्म बैक बोन विच प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड। क्या है ये, वर्टिब्रल कॉलम से स्टार्ट होगा और पेल्विक बोन तक जाएगी, यानी कोक्सल बोन जो होती हैं। उसके बाद वर्टिब्रल कॉलम के अंदर प्रेजेंट क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड, ये और क्या बनाती है, बैक बोन बनाती है, और इस तरह से इसको कहते हैं स्पाइनल, सॉरी वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम जो है ये कितने कर्वेचर्स बनाता है, देयर आर 4 कर्वेचर्स प्रेजेंट इन वर्टिब्रल कॉलम। उनमें के नाम क्या है हमारे पास, एक है सर्विकल वर्टिब्री, दूसरा है थ्रेसिक वर्टिब्री, तीसरा है लंबर वर्टिब्री, और नंबर 4 है पेल्विक वर्टिब्री। अब आपको यहाँ पर डायग्राम नजर आ रही होगी, इस डायग्राम में हमारे पास जो सबसे पहले 7 बोन्स हैं, अपर 7 वर्टिब्री जो हैं उनको हम कहते हैं सर्विकल, जो कि नेक रीजन के अंदर प्रेजेंट होती हैं। क्लियर। उसके बाद सर्विकल के अंदर पहली जो अपर दोनों ऊपर वाली बोन है उनमें से एक का नाम है अटलस, और उसके बाद नेक्स्ट आती है एक्सिस। अटलस और एक्सिस ये जो है यस और नो बोन्स कहलाती हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास रीजन है थोरेसिक कैविटी, और थोरेसिक रीजन सीना जिसको कहते हैं, इसके अंदर हमारे पास 12 बोन्स प्रेजेंट हैं, और ये हमारे पास कहलाएंगी थोरेसिक वर्टिब्री विच आर प्रेजेंट इन थोरेसिक रीजन एंड नंबर आर 12। उसके बाद है लंबर, लंबर यानी कि जो कि एब्डोमिनल रीजन के अंदर प्रेजेंट होते हैं उसको हम कहते हैं लंबर वर्टिब्री, और ये टोटल कितने होते हैं, 5 होते हैं। और लास्ट हमारे पास है लास्ट के अंदर हमारे पास टोटल आते हैं 9 वर्टिब्री, और उनमें से उनको हम नाम देते हैं पैल्विक, जो कि पैल्विक रीजन के अंदर प्रेजेंट है उन्हें पैल्विक वर्टिब्री कहते हैं। और पैल्विक वर्टिब्री की जो एंटीरियर 5 हैं उनको हम नाम देते हैं सैक्रम, और जो पोस्टीरियर 4 हैं उनको हम नाम देते हैं कुकेक्स। सैक्रम बेसिकली कब बनते हैं, जब पैल्विक रीजन के अंदर जो वर्टिब्री हैं उसकी एंटीरियर 5 वर्टिब्री जब फ्यूज हो जाती हैं तो उसका नाम है सैक्रम।
और जो पोस्टीरियर जो होंगी वो चार हैं, और जब फ्यूज हो जाती हैं तो उसको हम कहते हैं कुकेक्स। इस तरह से पेल्विक रीजन के अंदर नो वर्टिब्री प्रेजेंट होती हैं, तो यहां पर हमारा जो है वो वर्टिब्रल कॉलम कंप्लीट होता है। थैंक यू क्लास, अल्लाह हाफिज़।